शांति। फिर दूसरा दूसरे प्रकार का भी संगठन में परीक्षा होती है। एक तो है स्नेह के रूप में, गुणों के रूप में, और दूसरी है आत्माओं की कमजोरियां भी हमें दिखाई देती हैं, उनके अवगुण भी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हर एक में अवगुण भी है, कमियां भी है, गुण भी है तो अवगुण भी है, दोनों ही पक्ष है, क्योंकि अभी हम सभी पुरुषार्थी हैं। तो कई बार किसी की कमजोरी इतनी ज्यादा दिखाई देती है कि जैसे ही हम उसके संपर्क में आते हैं उसकी वही बात हमारी बुद्धि को विचलित करती है। हम सोचते हैं ये ज्ञानी है, फिर भी ये ऐसा करते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर हम अपने ही मन में उनका पर चिंतन, जिसको बाबा कहता है, और फिर पर दर्शन में चले। तो ये भी पर चिंतन पर दर्शन का जो हम हिसाब बनाते हैं, कई बार वो फिर निंदा के रूप में भी आता है, क्योंकि जो बात मेरी बुद्धि में चल रही है वो हम मुख से वर्णन नहीं करें, ऐसा होता है, जो बार बार मेरी बुद्धि में आती है। मानो जिस आत्मा के साथ मेरा एक हिसाब किताब है कि उसकी कोई बात मुझे पसंद नहीं है, होता है, हर एक का कोई ना कोई ऐसा संस्कार होता है जो हमें पसंद नहीं होता। हाँ, ये बहुत आलसी है, या टाइम पर नहीं उठते हैं, होता है आलस, अवेलापन थोड़ा बहुत किसी के अंदर हो सकता है, या किसी के अंदर थोड़ा गुस्से का संस्कार है, बार बार में चढ़ के ही बात करते हैं, आवाज ही जोर से निकालते हैं, या और भी कई तरह के संस्कार हो सकते हैं, और हम उनके साथ सेवा कर रहे हैं या उनके साथ रह रहे हैं और वो हमें पसंद नहीं आ रहे उनके संस्कार। तो फिर हम यही सोचते रहते हैं मन में कि ऐसा क्यों करते हैं, इनको इतनी भी समझ नहीं है, ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मेरे मन में अगर ये चल रहा है तो जरूर जो मेरे साथी होंगे उनसे हम वो वर्णन भी करेंगे। तो इसका मतलब निंदा करने का जो बोझ है विकर्म, वो भी हमने बना दिया। अब हमने निंदा की तो वो बात वातावरण में जाती है, क्योंकि वो एक तक सीमित नहीं रहती, एक के बाद फिर आगे, फिर एक के बाद फिर आगे, उसका भी कोई साथी होता है, उसको कहता है, फिर वो उसको कहता है, तो बाबा कहता है हम वातावरण को कमजोर करने के निमित्त बनते हैं। हम ब्राह्मण आत्माओं का फर्ज क्या है, लेकिन इस तरह की बातें अगर जाती हैं और कहते हैं ये जो निंदा का रस होता है वो शायद जो कलयुगी संस्कार है ना, रावण के जो संस्कार है आत्मा के अंदर, उसमें वो सबसे ज्यादा सुख देने वाला रस होता है। किसी की बुराई सुन के कईयों को बहुत खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि उससे ये साबित होता है कि उससे हम श्रेष्ठ हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे बेहतर हैं, तो उनकी निंदा करके थोड़ा आनंद होता है, तो फिर और बढ़ाएंगे उसको, पूछेंगे अच्छा ऐसा हुआ और क्या हुआ, और तो और करके, जैसे बाबा कहते हैं रामायण महाभारत की कथाएं हैं, बहुत लंबी लंबी हैं, लेकिन सार क्या है उसका, सार कुछ नहीं करता। ऐसे ही ये सारी व्यर्थ की बातों का विस्तार बहुत होता है, इसके समाचार बहुत बनते हैं और ये फैलती भी बहुत जल्दी है। जैसे कहते हैं ना वो ब्रिटिश बीबीसी और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म ये है, तो यहाँ भी बीबीसी काम करता है, बीबीसी माना ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बहुत फास्ट गति से
मधुबन के किसी कोने में कोई बात हुई होगी, कहां पर पहुंच जाएगी वो विदेश भी पता होता है, विदेश में भी कि वहां मधुबन में क्या हुआ पता होता है, नहीं होता है कैसे फैली, तो ये काम करता है। लेकिन ये हम सूक्ष्म विकर्म आत्मा के जमा करते, तो यहाँ बाबा हमें कहते हैं कि हमें गुण ग्राह्य करना है। संगठन में जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, जरूर आत्माओं में कमियां होंगी, ऐसे नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन उसमें गुण भी है। भगवान ने उन गुणों से चुनकर ही उसे इस ब्राह्मण परिवार में डाला है। बाबा को कई बार कहते हैं उसमें 36 अवगुण भी होंगे, और अगर एक भी गुण है तो भी बाबा की नजर उसके उस विशेषता पर गई। तो हमें भी पाप समान बनना है, तो उस आत्मा के वो जो गुण है, हालांकि मुझे अगर ढूंढना भी पड़ता है, अवगुण ज्यादा दिखाई देते हैं, गुण तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर मुझे ढूंढना भी पड़ता है, ऐसे ही एक छोटा सा मिसाल है कि बिजनेसमैन थे एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका के बिजनेसमैन थे, उनकी बहुत बड़ी स्टील कंपनी थी और बहुत सक्सेसफुल थे। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप अपने कर्मचारियों से कैसे इतने कुशलता से काम कराते हैं, जो आपका ये कारोबार इतना सफलतापूर्वक चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से काम कराना सोने की खान में खुदाई करने जैसा है। तो उसने कहा कि जब एक तोला सोना निकलता है तो उसके लिए तनों मिट्टी हटानी पड़ती है, कई टन मिट्टी हटती है तब जाकर के इतना सा सोना निकलता है। तो लोगों से काम कराना यानी उनके बिल्कुल भी अवगुणों पर नजर नहीं, किस पर नजर हो गुणों पर नजर हो, चाहे भले हमें पुरुषार्थ करके भी उसके गुण को इमर्ज करना पड़े कि इस आत्मा के अंदर ये गुण तो है, चलो ये बाबा को पहचाना, उसे वो दिव्य बुद्धि मिली, भगवान की परख हुई कि परमात्मा इस धरती पर आया है, नहीं तो आज दुनिया में कितने बुद्धिजीवी हैं, कितने महात्मा हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो आत्मा को परमात्मा को नहीं समझ पाए, और कौन जो इस सभा में साधारण माताएं बैठी हैं, बोली भारी हैं, गांव की माताएं हैं, जिन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अक्षर ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है,